देखिए, जब हमने बहुत बार एक्सेल में जब चलाते हैं, काफी कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, ठीक है जी, कई बार करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो समझ में नहीं आते, या ना जिनके ना पता होने के कारण इसमें जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो मैं एक तो आपके सामने यहाँ पे कुछ एक डेटा फॉल्स डेटा क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा, ताकि इसमें और समझा जा सके। तो छोटा सा प्रैक्टिस के लिए डेटा बना लेता हूँ। ये जो फंक्शंस वगैरह है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी खाली मैं पेस्ट स्पेशल के लिए बता रहा हूँ। रैंड बिटवीन का फंक्शन जो मैंने यूज किया वो सिर्फ मैं इसलिए यूज करता हूँ कि रैंडमली डेटा जनरेट कर सकूँ। क्या रैंडमली डेटा जनरेट मतलब 10 से लेकर 90 तक का कोई भी अपने आप नंबर उठा के दे दे, वो इसके लिए करता हूँ। ये मेरा हो गया कुछ डेटा प्रैक्टिस के लिए। डाटा तो पेस्ट एज वैल्यूज के बारे में आप जानते होंगे, आपने यूज किया होगा पेस्ट बारे में पेस्ट एज वैल्यूज के बारे में सर। अब जब भी हम पेस्ट एंड कॉपी हाँ, जानते हाँ एडिट में पेस्ट एज वैल्यूज जब भी हम करते हैं, यहां से पेस्ट स्पेशल है हमारा, पे होम टैब के अंदर बाद में निकल पेस्ट, जाता है कि जो एक्चुअली जो चीज रहती है वही आ जाती है, डाटा आ जाता है। हाँ डाटा तो आ रहा है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला निकल जाता है आपका, ठीक है जी। पर हाँ बिल्कुल देख एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ तो मैंने डेट डाली है और यहाँ नंबर आ रहे हैं। हाँ, नंबर आता है, डेट का नंबर ही आता है। अभी जब ये हाँ वैल्यू करेंगे तो नंबर ही आता हाँ है। हाँ जी तो इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है, अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। यहाँ पे मैं जो अगर रेट है तो डबल डेसिमल्स में होना चाहिए, तो मैं इसको डबल डेसिमल्स में कर देता हूँ इसको भी, ठीक है जी। अब इसमें क्या आता है, हम पेस्ट जब करते हैं एज वैल्यूज करते हैं, तो इसमें वो जो ये मैं डेसिमल पोजीशन बना रहा हूँ या कोई डेट है वो सब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इस हाँ चीज को कहते हैं सर नंबर फॉर्मेटिंग। अब नंबर फॉर्मेटिंग क्यों कहते हैं इसको, जब ये आप ये नंबर टैब देख रहे हैं ना, होम टैब में ये नंबर टैब है, इसके अंदर ये सारी जो फॉर्मेटिंग होती है ये नंबर टैब की होती है, ये नंबर टैब है, और इसके अंदर जितनी फॉर्मेटिंग है इसको नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब ये नंबर फॉर्मेटिंग ही हमारी डिस्टर्ब होती है इसमें। अगर आपको जब भी पेस्ट एज वैल्यूज कर रहे हैं यही इसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो देखिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ जाना है पेस्ट स्पेशल में जाना है, तो वैल्यू की बजाय वैल्यू यूज करने की बजाय वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स कर लेंगे, ओके सर ठीक है जी, ओके करेंगे। देखिए डेट का डेट रहा, डेसिमल के डेसिमल रहे, बाकी है वैल्यू ही सारा, ठीक है सर। बराबर डेटा अब एक और प्रॉब्लम आती है जब आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, यहां तो चलिए मैं कॉलम सेट कर लूंगा अपने आप, पर जब आपने ज्यादा बड़ा डेटा कर लिया, कॉलम मतलब कॉलम सेटिंग अपने आप में एक चैलेंज रहता है हर बार। अब मुझे मान लीजिए ये सेटिंग चाहिए, तो जब आपने पेस्ट एज वैल्यूज किया वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ऐसे ही आप पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम की विड्थ को भी कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कॉलम कॉलम की विड्थ मतलब कॉलम की जितनी चौड़ाई होगी वो आपको यहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ओके नहीं, करेंगे। ये क्या लिखा है? कॉलम और क्या लिखा है? कॉलम विड्थ है सर, ये देखिए मैं दोबारा कॉलम दे, डेट है। नो सर कॉलम विड्थ देखिए अभी दिखाता हूं। कॉलम फर्स्ट कॉलम विड्थ ये राइट साइड में थर्ड ऑप्शन है, कॉलम विड्थ, हाँ, कॉलम विड्थ
हाँ जी ठीक हाँ है, जी कॉलम विड्थ। यस सर, हाँ, तो कॉलम हाँ विड्थ जी से, सर, कॉलम विड्थ से क्या होता है, हमारे कॉलम पे विड्थ जितनी होती है वो पेस्ट हो जाती है, हमें बार बार ऊपर से सेटिंग नहीं करनी पड़ती कि कितना चाहिए। सेम ही मिलेगा राइट। हाँ जी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं डेटा करना है, आप कॉलम विड्थ कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ तो वो सारी कॉलम की सेटिंग यहाँ आ जाएगी और डेटा नहीं आएगा, सेटिंग खाली कॉलम की सेटिंग। ठीक है जी, ऊपर ये, तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा, अब आपने वैल्यूज तो कर लिया पर ये फॉर्मेटिंग करने में टाइम लग रहा है आपको, ठीक है जी, हाँ तो पेस्ट स्पेशल में आप फॉर्मेट्स भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस जब ये आप फॉर्मेट पेस्ट करेंगे तो ये कलर बोल्ड इटैलिक के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाती है। ठीक है सर, अब फॉर्मूला नहीं रहेगा, बाकी सब पेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, और क्या कर सकते हैं, इसका कौन सा बोला, क्या बोला आपने, ये कौन सा ये वर्ड। था सर फॉर्मेट्स था, हाँ देखिए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट साइड में हाँ फॉर्मेट्स, ये क्या करेगा, कलर फॉर्मेटिंग या बोल्ड इटैलिक जो भी होगा वो आपके मेन डेटा में कर देगा। ठीक है जी, इसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास मान लीजिए ये बॉर्डर्स आपके कई बार अजीब लगे होते हैं, आपको बॉर्डर ही नहीं चाहिए बाकी सारा डेटा चाहिए, तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर यूज कर कर सकते हैं, हालांकि ये कम, ऑल। हाँ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, हाँ आप उसको ना स्क्रीन को डबल क्लिक कीजिए वो पूरी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन आ जाएगी। हाँ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। हाँ जी, क्या ठीक है जी, फुल स्क्रीन पे कर लिया सर आपने उसे, सर, आप जो पैनल यूज कर रहे होंगे आपके पास स्क्रीन एक छोटे से उसमें आ रही होगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सर वो पूरे पे फैल जाएगी, हाँ फैल बड़ा गया सर। पूरे पे और आप, जो आपका बाजू में है वो डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ चलेगा, ठीक है, कर दिया सर। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर की बात कर रहे थे कि ये जो बॉर्डर होते हैं हमारे लाइन इन्फॉर्मेशन ये नहीं आती, इसको छोड़ के बाकी सारा आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला का फॉर्मूला रहेगा जैसा भी करना चाहे, तो बॉर्डर्स नहीं आएंगे बाकी सब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, और नेक्स्ट करेंगे, एक इसमें एक और चीज होती है मैं दिखा देता हूं पर उसका आपको यूज नहीं है इसमें, इसका कॉपी करता हूं पेस्ट स्पेशल, एक यहां पे एक ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब देखिए सोर्स थीम क्या होती है, यहां एक्सेल में इसका यूज नहीं करते पर आप जब जाएंगे इंसर्ट पेज लेआउट, पेज लेआउट का टैब है आपके, यहाँ पे थीम्स होते हैं। अब ये थीम्स कहाँ यूज करते हैं हम सर, पावर पॉइंट में। ठीक है जी, तो ये सोर्स थीम को कॉपी करता है, कोई खास यूज नहीं है इसका इसमें क्योंकि ये पावर पॉइंट में यूज होने वाली चीज है। ठीक है जी सर, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इधर से आ रहा है इसमें गलत होते हैं ना, तो हमारा स्पीकर लड़के से भी बात हो गई, बोल रहे हैं। लड़के से भी बात हो गई, देख लो। अच्छा, कौन है, अच्छा बाकी है क्या, अच्छा, वो तो बढ़िया है, जानता हूँ। है? नहीं, ओम के साथ आता जाता है। हाँ ओम, हाँ ऐसे ही हो, भाटी भाटी के नाम से फेमस है, उसे जानते हैं बहुत, मतलब मेरे को भी जानता है, अच्छे से जानते हैं। हमारे सर कई ऑडिट वाले तो भी ऐसे भी थे, कितने बिल निकालते। ओके सर, कल आता।
हेलो। हाँ जी सर, तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कॉपी करते हैं और बाकी पेस्ट स्पेशल में, यहाँ देखते हैं और ऑप्शंस को अपने। अब देखिए, हमने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट देखा पहला, इसी तरह से फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट भी है। हालांकि आप लोग फॉर्मूले कभी पेस्ट नहीं करते, इसकी जरूरत कम पड़ती है क्योंकि जब नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला आ ही जाता है। ठीक है जी, जो ऑल जो ऑप्शन है हमारा वो फॉर्मूला एंड वैल्यूज एंड फॉर्मेट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब इन इसमें जितनी चीजें हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है ऑल, तो ये सारी चीजें आई जाती हैं। अब बात करते हैं जैसे कमेंट की। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लंबे चौड़े कमेंट डाल रखे हैं कुछ भी, तो आप कमेंट भी कॉपी कर सकते हैं। अब ऐसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये आपका वैल्यू के साथ आता है। अब खाली कमेंट पेस्ट करने हैं, खाली आपको कमेंट पेस्ट करने हैं तो कॉपी कीजिए इसको, यहाँ पेस्ट स्पेशल में, यहाँ कमेंट है, कमेंट पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, कमेंट पे। सर कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ? मैं मतलब स्क्रीन में कुछ रुकावट आ रही है नहीं, यार इतना मस्त आ रहा है, पूछो मत। क्या? ठीक है। अच्छा, तो ये ऑप्शन हमने जान लिए। अब इसमें एक वैलिडेशन है सर, ये वैलिडेशन का मैं जब बताऊंगा, जब मैं आपको वैलिडेशन पढ़ा दूंगा, क्योंकि वैलिडेशन नॉर्मल टॉपिक नहीं है, काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यहाँ डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन होता है यहाँ पे। हाँ, तो ये वैलिडेशन को भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट की तरह ही वैलिडेशन भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये तो रही बात कॉपी एंड पेस्ट की, इसमें अब वो चीजें जो बहुत कम लोग जानते हैं उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हाँ जी। जो वैलिडेशन है मैंने सीखा है, खाली हम तो उसमें लिस्ट कमांड यूज करते हैं, लिस्ट जो है हाँ जी, हाँ बाकी जी, और कुछ यूज ही। हाँ सर, बहुत यूज है उसमें। उसमें ना लिस्ट के अलावा आप फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मूले जो सम और लॉजिकल के इफ एल्स वगैरह लगाते हैं ना, ये आपके डेटा वैलिडेशन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों में ही यूज होते हैं। फॉर्मूले खाली यही वैल्यू लाने के लिए ही नहीं, वैल्यू को हाईलाइट करवाने के लिए या डायनेमिक चेंजेस के लिए यूज करवाते हैं उनको। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं इस पे अपने वापस कुछ ऐसे ऑप्शंस पे जो करने थोड़े जो ना पता होने की वजह से बहुत भारी हो जाते हैं कई बार। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ डेटा है मेरा, बड़ा बड़ा डेटा होता है, कुछ भी कोई भी डेटा है, यहाँ डेटा है। अब इसके आगे मैं वैल्यू कुछ डाल देता हूं। ये क्या है कि मेरी ऑडिट किया तो मैंने कोई मैंने नम पाया कि इसमें इतना कम रह गया है। कोई मैंने वाउचर एंट्री करके रिपोर्ट बनाई, पर मैंने देखा कि ये जो नंबर है उसमें इतना और होना चाहिए था, या कोई चीज गिन रहा था, मैं पैकेट काउंट किए किसी चीज के, तो यहाँ मैंने डाल दिया इतने इतने पैकेट थे, बाद में मुझे और मिल गए, तो ये नंबर मुझे इसमें जोड़ने हैं। ठीक है जी, अब जोड़ने हैं तो क्या करेंगे? देखिए, इसको तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसका रेफरेंस लेके इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ तो जीरो है, चलो जीरो है तो आगे ले लेते हैं। यहाँ हमने ड्रैग कर दिया ये फॉर्मूला, ये वैल्यू प्लस होके आ गई इसमें। अब क्या करते हैं लोग फिर इसके बाद, कॉपी करके यहाँ मतलब नॉर्मल पेस्ट एज वैल्यूज कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं अगर ये काम करना हो। पर देखिए, जब जब हमको पेस्ट ही उसमें करना है तो हमारा पेस्ट स्पेशल हमें ये ऑप्शन देता है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहां पे जाके पेस्ट स्पेशल में नीचे वाले ऑप्शन देखेंगे, ऑपरेशंस है। ऑपरेशन मतलब पेस्ट करते हुए क्या करना है, तो ऐड ले लेंगे। ऐड क्या करेगा, इस नंबर को डायरेक्टली इसमें जोड़ देगा। बराबर। ठीक है सर, तो इसका ये हो गया। अब चलिए, ये बात हो गई जोड़ने की। अब बात आती है कि मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे रिप्लेस करना है। मतलब
बस जोड़ना घटाना क्या मतलब, एक्चुअल इसका ये है वो 50 नहीं है, 45 होना चाहिए, 111 की जगह 120 होना चाहिए, इस तरह से नंबर है। अब मुझे ये नंबर यहाँ पे लाने हैं, जहाँ खाली है वहां पहले जैसी वैल्यू रहे, पर जहां नहीं, जहां पे है वैल्यू वहां ये रिप्लेस करानी है। तो इसको कैसे करते हैं सर, इसके लिए देखिए जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मली लॉजिकल टेस्ट कराएंगे, वो भी जिसको आता है वो यूज कर पाएगा इसको। अब देखिए क्या करेंगे, अगर इधर में वैल्यू है, इधर में वैल्यू है मतलब वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है, तो क्या करें यहां से वैल्यू उठा ले, अदरवाइज ये वैल्यू ले ले। तो इस तरह से करते हैं, ये फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं, ठीक है जी। पर अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है और पता भी नहीं होता कई बार, और फॉर्मूला लगाने के लिए हमें एक जगह और भी मेहनत करनी पड़ती है। जब बात रिप्लेसमेंट की आ रही है तो हमें कॉपी करके पेस्ट करते समय प्रॉब्लम क्या आ रही है उस पर ध्यान देते हैं। जब मैं यहाँ से नंबर लेके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है कि इसके जो ये खाली सेल है वो भी यहाँ पेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है सर, प्रॉब्लम यही है ना इसकी, मैं क्यों नहीं पेस्ट कर पा। तो अब अगर हमें पेस्ट करना है और खाली सेल इधर नहीं पेस्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे मेरे पास एक चेक बॉक्स है स्किप ब्लैंक्स का, आप इसको चेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो यहां पे जो पेस्टिंग होगी सर वो ब्लैंक नहीं होगी, ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी, इजी है। अब देखिए आपके में होता है सेल्स, अगर सेल्स है तो टारगेट भी होगा। अब आपको इमीडिएट निकालनी है कि कौन कौन से सेल्स ऑफिसर ने कितनी, मतलब हमारा टारगेट जो था वो 200 का था, अब इन्होंने जितनी भी सेल करी है कितने परसेंट अचीव करी है। अब परसेंटेज अचीवमेंट का क्या होता, हम क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड करते हैं और फिर इसको यहां से परसेंटेज में चेंज कर देते हैं ऊपर से, तो 21% अचीव करिए, ठीक है जी। अब जब मुझे देखिए इसमें बेसिक फंक्शनैलिटी आ रही है डिवाइड की, तो मैं क्यों ना ये करूं, यहां से कॉपी करूं, इसको सिलेक्ट करूं इतने एरिया को, और पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे डिवाइड होता है, डिवाइड पे क्लिक करूंगा, ओके, एक बार में सबसे डिवाइड हो जाएगा, देन ये परसेंटेज क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो अचीवमेंट परसेंटेज आ गई आपकी। बट एक और चीज करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, मान लीजिए ये तो सिंगल था, पर बात होती है कि हमारे पास टारगेट भी कई बार हर एक बंदे का तो अलग अलग होगा, हर एक बंदे का टारगेट अलग अलग होता है, तो हमने अलग अलग ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, वही प्रोसीजर, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, देन इस पर सिलेक्ट करके फिर से पेस्ट मार दूंगा, पेस्ट करके वैसे ही वही ऑप्शन, तो ये क्या करेगा, अपने सामने सामने वाले से डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या किया मैंने, एक गड़बड़ कर दी, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ओके, सामने सामने वाले से अपने हो गया, देन परसेंटेज निकाल दी, ठीक है जी। हाँ आप देखिए इसमें क्या होता है कि ये अपने सामने सामने वाले से करता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए सेल्स जो हमारी 3-4 दिन की है, 3 दिन की सेल्स हो गई, इसी को ले लेते हैं या कोई और भी ले लेते हैं, तो ये मेरी डेली की डिफरेंट डिफरेंट सेल आ गई, और इसी तरह डेली के मेरे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट आ गए, 3 दिन के अलग अलग टारगेट आ गए।
तो मेरे टारगेट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, सेल्स डिफरेंट डिफरेंट हो गई। अब मुझे अचीवमेंट डालनी है, मैं इसको बेशक कॉपी करके कहीं भी अलग कर लूं, क्योंकि अचीवमेंट डेफिनेट सी बात है, सेल्स को तो नहीं, यहाँ कर दिया मैंने, मैं क्या करूंगा इसको कॉपी करूंगा, देन डेटा को सिलेक्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाके अगेन वही डिवाइड कर दूंगा, तो आपके डे वाइज अचीवमेंट आ गई। ठीक है जी, ठीक है सर। हेलो, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, नितेश सर। हाँ, बता। हाँ अच्छा, मैं थोड़ी देर में क्या हूँ फोन से, जो मेरे बारे में बताया तो प्रोग्राम शायद चेंज करना होगा। हाँ सर बताइए। हाँ सर, तो ये वाला समझ गए सर आप? हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है सेल्स जी। का। हाँ, अब ये तो हमारी अलग अलग परसेंटेज आ गई। ठीक है जी, अब क्या करते हैं ये तो ये क्या है सर, रिटर्न भी चाहिए जो एक्सरसाइज मुझे समझ। ये तो क्या अभी गाई गाई में सब देख लिया, लेकिन वापस कभी करने के लिए थोड़ा रिटर्न भी टेस्टिंग भी चाहिए। वो सर मैं आपको इसकी वीडियो दे दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है चलो, जी, मैं आपको इसकी यूट्यूब दे दूंगा, यूट्यूब की वीडियो दे दूंगा। ठीक है सर, हाँ चलेगा। हाँ जी सर, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, चलो सेल्स टारगेट की बात हमने काफी कर ली, अब बात करते हैं इसकी जो हमारे अकाउंट में कई बार स्टेटमेंट होती है, कोई और चीज होती है जिसमें वैल्यू हमें लाख से, मतलब वैल्यू इन लाख या वैल्यू इन करोड़ नहीं बनाते सर, वैल्यू। हाँ वैल्यू इन लाख बनाते हैं ना सर। हाँ अब मान लीजिए ये जितनी भी वैल्यू है मुझे वो पॉइंट में दिखानी है अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू इन लाख्स। ठीक है जी, पॉइंट करके दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, आप डिवाइड करें वही ऑप्शन है। तो क्या होता है, ज्यादा डेटा है तो आपको परेशान करेगा ये चीज। तो मैंने 1 लाख को अलग ले लिया, इसको कॉपी किया, इसको सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में गया, डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, अब बाकी यहां से मैंने इसको डेसिमल पॉइंट्स कम कर दिए, ये थी आपकी वैल्यू इन लाख्स। ठीक है जी, अब ये तो बात रही डेटा की, लाख करोड़ जैसे भी बनाने तो इस प्रोसीजर से बड़े आराम से बन जाता है। अब बात करते हैं कि हम लिंकिंग की, कई बार हम ऐसी शीट्स बनाते हैं कि जो एक दूसरे से लिंक होती है। अब लिंक के लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं लोग, इक्वल टू लगा के पहली वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, देन इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ छोटी वैल्यू हो तो, कम वैल्यू हो तो चल जाता है, पर जब ज्यादा वैल्यू होती है तो ऐसे इस तरह से जीरो इधर उधर कॉपी हो जाते हैं, पता नहीं पड़ता। अब यही चीज अगर आपको एक झटके में करनी हो, लिंकिंग यूज की है सर कभी वैसे आपने इक्वल टू करके, तो पेस्ट स्पेशल में जाके हम, ये पेस्ट लिंक का बटन है, इसको क्लिक करेंगे और क्या करते हैं इसमें फॉर्मेट कर देते हैं, अच्छा लगना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है जी, फॉर्मेट भी हो गए, लिंक हो गई वैल्यू। अब इसमें से हम अगर कोई चेंज करते हैं तो आपको चेंजेस डायरेक्ट यहां दिख जाते हैं। ठीक है जी, कोई भी चेंजेस करते हैं तो डायरेक्ट चेंजेस आपको इस शीट में दिखते हैं या इस डेटा में दिखते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जगह कम है, हम एक डैशबोर्ड सा बना रहे हैं जिसमें पूरी कंपनी का डाटा एक साथ रखना है, या किसी के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड में क्या होता है, जगह कम होती है और हमें इतने ही पोजीशन में चाहिए डाटा,
ठीक है जी, इतनी में चाहिए। पर एक्सेल में तो आप रो कॉलम छोटा बड़ा करेंगे तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट के बटन पर चले जाएंगे, एज पिक्चर में चले जाएंगे नीचे, एज पिक्चर में, और पेस्ट एज पिक्चर कर देंगे, तो ये जो आपका डेटा है वो पिक्चर की तरह बन जाएगा। ठीक है जी, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर के हिसाब से, ठीक है जी, क्योंकि ये पिक्चर है। अगर आप ये ग्रिड लाइंस को हाइड कर दें तो ये दिखाई नहीं देगा, अब ये पता नहीं पड़ेगा कि ये पिक्चर है कि क्या है। पर एक प्रॉब्लम इसमें भी है कि यहाँ पे अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो आप इस पिक्चर में नहीं देख सकते, यहाँ तो चेंज हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, फिर ऐसे पिक्चर का फायदा क्या है। क्या करते हैं हम, अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपके पेस्ट के बटन में होम टैब के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे, पेस्ट एज पिक्चर, ठीक है जी, पेस्ट एज पिक्चर कर देंगे, पिक्चर लिंक, पेस्ट एज पिक्चर लिंक कर देंगे। तो पेस्ट पिक्चर का जब हमने लिंक कर दिया तो हमें एक और पिक्चर मिली, बट इस पिक्चर में क्या चीज डिफरेंट है, अगर हम मेन डेटा में कोई चेंज करते हैं तो ये पिक्चर भी साथ में चेंज हो जाती है। इवन यहाँ का अगर आप कलर भी चेंज करते हैं तो आपको कलर भी चेंज दिखाता है, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी बोले। हाँ, तो ये जो क्लास थी सर पूरी पिक्चर के बारे, पेस्ट स्पेशल के बारे में थी, तो हाँ जी हाँ जी। बाकी, हाँ तो बाकी पेस्ट स्पेशल का टॉपिक खत्म। क्या करते हैं, डाटा को कॉपी करते तो उस फ्रेंड फ्रेंड में जाते हैं, उधर करके उसको पिक्चर बना के निकाल लेते हैं जैसे। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट है और लिंक्ड पिक्चर का ऑप्शन है। ये तो डायरेक्ट जो भी चेंज करेंगे इधर चेंज होती है, बराबर हाँ, ऐसा पिक्चर हो गई, सच्ची पिक्चर। हाँ ये असली पिक्चर है क्योंकि चल भी तो रही है। ठीक बराबर है सर, तो फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के लिए, ठीक है हाँ जी हाँ सर। जी अच्छा वैसे हाँ सर जी हाँ जी। टाइम क्या चूज करना चाहेंगे आप? टाइमिंग अभी